ये मैं हूँ, ये मेरा गांव है और यहाँ गर्मी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वजीर हसन और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीजी व्लॉग्स। मेरे पीछे आज आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, मतलब देखते हैं कि शादी मेले में तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आया हुआ हूँ अपने गांव में, हमारे गांव में हो रहा है चक्री। चक्री में बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे तीतर रखे जाते हैं, जिसके अंदर जो तीतर हैं बोल रहे होते हैं, जो सबसे एंड पे वो तीतर जीत जाता है। तो चले आप लोगों को भी दिखाता हूँ और अपना गांव फिराऊंगा, गांव दिखाऊंगा। यहाँ पे मुख्य तीतर रखे हुए इन्होंने और देखें काफी ज्यादा तीतर रखे हुए हैं, जो बोल रहे हैं आवाज में आपको आ रही होगी। ये बेसिकली मियां साहब की तरफ ऐलान है, इंशाल्लाह मियां जी के पुतले भी नूर नमीन दे से खास टाइम है। एक तौर पे कोई तौर नमीन न चले गए हैं, जोड़ा फिक्स है वही पहला का मिट्टी रैंड शुरू हो से साढ़े काफी जोर में नाम रात के मौजूद है। इसके अंदर आपको तीतर की आवाजें आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे तीतर बोल रहे हैं, तो सबसे एंड तक बोलता रहेगा वो तीतर जीत जाएगा। और इस पर लाखों रुपए के इनाम भी दिए जाते हैं और काफी मतलब प्राइजेस वगैरह होते हैं इसके ऊपर। जुनेद खान बहुत अच्छा, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी करे और वह दिन अल्लाह ताला फिर बना रहे अल्लाह पाक इस तरह भी आमीन आमीन बात अल्लाह तौफीक दे इसने बात की और अच्छा फिर कराऊंगा। आज पाकिस्तान का उत्तर दौरा का मुकाबला है अपना, ये सिंध और पंजाब में ज्यादातर और केपीके में इसका शौक किया जाता है। शुरू हो जाता है ये मुकाबला और करने के बाद तकसीम की जाती है, तो बहुत ही अच्छा शौक है। बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, वहाँ भी चक्री जाके अपना जो है सामान बेचते हैं और इसमें सारा जो है तित्रों का सामान, पिंजरे वगैरह थे और यह है जो कपड़े वगैरह होते हैं तित्रों के, ये मेलों के हर साल होती है। और तिपला में ये तकरीबन इस साल का दूसरा टूर्नामेंट है, पहला तो इमरान खान ने करवाया था, वो भी बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रोग्राम था। और उसके बाद ये माशाल्लाह तितर ज्यादा आए हुए हैं, तितर इंटरेस्ट में हुए हैं। ये हमारा एक भाई अपने चैनल पे लाइव गया हुआ है, लोगों को दिखा रहा तीतर की रेसें। मैं आपको दिखाता हूँ अपना गांव, हमारा गांव का शहर, ये हमारे गांव का शहर, छोटा सा गांव बड़ा सा शहर। गांव में रहने के बेसिकली बड़े फायदे होते हैं, यहाँ पे रह के आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, ताज़ा हवा, ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फ्रूट, हर चीज़ ताज़ा ताज़ा होती है, तो गांव में रहने का जो है ना बड़ा मज़ा आता है।
कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हमारे मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और हमारे गांव की लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए नए व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहें। तो गाइज़, अभी मैं आया हुआ हूँ अपनी ज़मीनों पर। बेसिकली हमारी ज़ुबान में इसको मुरब्बा भी बोला जाता है, रकबा भी बोला जाता है, डेरा भी बोला जाता है, वो जो आप लोगों की ज़ुबान है उसमें जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो मैं अभी वहाँ पर आया हुआ हूँ और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हरियाली हरियाली है हर तरफ। ये देखें, वहाँ पे ट्रैक्टर जो है वो कोड़ी का है। कोड़ी बेसिकली बोला जाता है कि जो ज़मीनों के अंदर हल चलाए जाते हैं, हल चला रहा है। ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल अभी तो ट्यूबवेल बंद है। अभी ट्यूबवेल बंद है लेकिन ये है कि जब चलता है तो इससे नहाने का बहुत मज़ा आता है। ये हमारी ज़मीनों की है खुबानी। वैसे तो गिलगित वगैरह में लगती है लेकिन हमारे गांव में भी लग जाती है कभी कभार। आगे लेके जाता हूँ आप लोगों को। ये बेसिकली नलका है, इसको नलका बोला जाता है, जिसमें से पानी आता है। पानी इसको चला के इसमें से पानी निकाला जाता है, जैसे वो पुराने देसी स्टाइल में होता था ना, उस तरह इसमें से पानी निकाला जाता है। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे गर्मी शदीद है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को हाथ मुँह धोना पड़ता है। तो उसके लिए ये नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पे। यहाँ पे कोई बोरिंग आपको नहीं चाहिए होती, कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस ये लगाएं आप 5 फुट 10 फुट पे और जितना पानी आप लोगों को चाहिए, जब तक आपको चाहिए आप लोग ले सकते हैं बगैर किसी मोटर के, हैंडपम्प से। आप बेसिकली इसको बोला भी हैंडपम्प जाता है और जितना हाथ चलेगा उतना पानी निकलेगा। तो अभी आगे लेके जाता हूँ आप लोगों को अपनी ज़मीनें, फिर आता हूँ दिखाता हूँ कि हमारे बाग में क्या क्या है। ये भाई यहाँ पे हल चला रहे हैं, ये देखें। ये देखिए, ज़मीनों को ताज़ा करने के लिए इसमें जब आप नई सब्ज़ी वगैरह या कोई भी फ्रूट सब्ज़ी कुछ भी उगाना होता है ना, कपास गंदम कुछ भी, उसके लिए ज़मीनों पे हल चलाए जाते हैं। फिर इसके अंदर बीज लगाए जाते हैं, बीज लगाने के बाद जो है वो सब्ज़ी बड़ी हो जाती है और फिर हम उसको खा लेते हैं। चाचा जी को गर्मी लगी हुई है, चाचा जी गर्मी में लेटे हुए हैं, दरख्त की छाँव में मज़े ले रहे हैं और पंखा चला रहे हैं। ये कद्दू, ये देखें, डिफरेंट सब्जियां वो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये मेरे ख्याल में ये लीमू का दरख्त है, ये देखें छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं। ये इसके साथ अमरूद का दरख्त है, अमरूद के साथ ये माल्टे का दरख्त है। खैर अभी तो माल्टा खा नहीं सकते, एक तो मौसम भी नहीं है इसका और दूसरा कच्चा भी है, कड़वा होगा। ये फिर अमरूद का दरख्त है, इस दरख्त पे हम लोग बचपन में जब भी आते थे तो इससे हमने बहुत अमरूद खाए हैं और इसके ऊपर आप चढ़ दें, अमरूद तोड़ें और खाएं, ये हमारे चढ़ने का रास्ता होता था। अभी तो नहीं चढ़ सकते, अभी तो बड़े हो गए। मैं देखता हूँ अमरूद कोई लगा हुआ है अगर यहाँ पर, तो ये अमरूद लगे हुए हैं लेकिन ये भी कच्चे हैं, ये खाने के काबिल नहीं है अमरूद। हर जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं, काम हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ना गर्मी भी बहुत शदीद है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको नहाना पड़ता है, वो भी मैं आपको लेके जाऊँगा ट्यूबवेल में। अगर ट्यूबवेल मुझे ना मिला तो फिर मैं आपको नहर में लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा गांव में नहरें भी, नहरों में लोग कैसे नहाते हैं, क्या क्या करते हैं। हम भी नहाएंगे, आप भी नहाना, खैर आप नहा तो नहीं सकते, इंजॉय कर सकते हो। अच्छा ये मैं आपको बड़े मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पीछे जो है ना, ये बेसिकली होती है तूड़ी बोला जाता है इसको, जो गंदम कटती है ना यहाँ पे उसका जो भूरा वगैरह होता है सब कुछ, उससे फिर ये बनाई जाती है, डिफरेंट ये शेड्स बनाए जाते हैं और इसके बाद इसको
डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, आग लगाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये सारी चीज़ें। ये देखें कितने प्यारे प्यारे हट्स। अच्छा, दूर से अगर कोई शहर से आए ना मेरे जैसा बंदा, तो उसको तो यही लगेगा कि ये कोई जो है ना हट्स बने हुए हैं, जैसे मालदीव्स और आगे पीछे नहीं बने हुए होते छोटे छोटे हट्स, वो कपल्स के रहने के लिए हनीमून के, उस तरह के हट्स बने हुए होते हैं। इसके अंदर आपको लेके जाता हूँ, अंदर से ये कैसे से होते हैं भी दिखाता हूँ। अंदर बेसिकली मतलब अंदर से होते ही ऐसे ही हैं, ये बस खुले हुए हैं, बंद है सॉरी, और ये ऐसे ही बस चारों तरफ से बंद होते हैं। इनको बना के और लगा देते हैं। ओ मैं फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया, यही फंसा। ये देखें निकल आया। ज़्यादा डिटेल टूर में अभी इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पे घूमना जो है ना बेवकूफ़ी है। ये है वो जगह जहाँ से पानी गुजर के ज़मीनों को जाता है, इसको कुछ लोग नाली बोलते हैं, कुछ लोग नाला बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में इसको खाला बोला जाता है। तो ये वो जगह जहाँ से होके पानी जो है ज़मीनों की तरफ जाता है और इससे ज़मीनें सैराब होती हैं। क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो कैमरा है वो भी बार बार हीट हो जाता है, हीट होने की वजह से वो बंद हो जाता है। मैंने सोचा दिन के टाइम आप लोगों को अपने गांव की सैर करवाता हूँ, इसलिए कि दिन के टाइम एक तो रिज़ल्ट अच्छा आता है और सारी चीज़ें नज़र अच्छी आती हैं, तो दिन के टाइम इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन दिन के टाइम आने का नुकसान ये हो रहा है मुझे कि कैमरा हीट हो रहा है जो बार बार बंद हो जाता है। तो बाकी व्लॉग घर जा कर बनाता हूँ, दिखाता हूँ घर वाले क्या कर रहे हैं, कौन कौन है, अली क्या कर रहा है, अली भी आया हुआ है, अली क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। अली सो रहा है झोली में। हाय अली, क्या कह रहे हो, सो जो आंखें बंद। हाँ आंखें बंद कर लो, सो जो। अच्छा अच्छा हाँ, क्या कहते हैं आपको, डांट दी है। ओयो झोली में सो रहे हो हैं, सो जो, मुंह क्यों निकाल रहे, सो जा। ता 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 मऊ बिल्ला ता माई बिल्ला। अभी चलोगे नहर पे अली, नहर पे नहीं नहीं करोगे अभी मेरे साथ, नहीं करनी, सोना है, सोना चाहते हो, चलो सो जाओ, बाय बाय। हम आए हुए हैं अभी अपने गांव की सबसे स्पेशल जगह पे, जहाँ पे जब आपको गर्मी लगे तो ना स्विमिंग पूल की ज़रूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि बहुत से लोग जिनका गांव से ताल्लुक़ होगा उनकी बहुत सी यादगारें जो होंगी ना वो इस चीज़ के साथ जुड़ी भी होंगी। दिखाते हैं किधर आए हुए हैं हम, आ जा। उसमें आपको ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। ये है जी हमारे गांव की नहर, ये देखें, ना स्विमिंग पूल की ज़रूरत है ना किसी टिकट की ज़रूरत है। जब गर्मी लगे यहाँ पे आओ, छलांग लगाओ और अपनी पजामी गिरा के फिर ऊपर करते भी निकल जाओ। हमारे भी बचपन में ऐसे ही होता था, हमारे साथ आते थे चादर पहन के बाहर निकलते थे, तो पास कुछ भी नहीं होता था हमारे। खैर ये एक बड़ी अच्छी जगह होती है गांव की, मुख्तलिफ फसलों को भी इधर से पानी शानी जाता है, ये जो साइडों पे फसलें आगे पीछे लगी हुई हैं सारी इसकी वजह से सैराब होती हैं। गाँव का सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो सिर्फ ये नहर होती है, बाकी तो जो है ताज़ा फल वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन ये नहर जो है ना ये यहाँ की सबसे बड़ी नेमत है।